कानपुर देहात के बीते दिवस नवीपुर चौराहे पर कानपुर झांसी हाईवे के एक प्रवासी पिंटू प्रजापति बबीता प्रजापति पपौरा सकड़ीहा चप्पा चंदौ से निवासी जो मानकपुर महाराष्ट्र से वापस जा रहे थे। रास्ते में मजदूर दंपति का अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई और थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी नॉर्मल गिरे हुई जनपद कानपुर देहात के नवीपुर में वही चौराहे पर ही हो गई। सूचना मिलते ही तुरंत गौरी हॉस्पिटल की टीम मौके पर पहुंचकर जच्चा बच्चा दोनों को आवश्यक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जच्चा बच्चा दोनों गौरी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है और पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों व उनकी टीम द्वारा ऐसे कार्य की लोगों ने सराहना की और आज भी मानवता को कायम रखा। किसी तरीके की कोई और अनावश्यक अफवाह न फैले इसलिए यह बताना जरूरी है कि यह मजदूर दंपत्ति COVID-19 से पीड़ित नहीं है। उनके कोविड से संबंधित सारे आवश्यक टेस्ट हो चुके हैं और उसकी निगेटिव रिपोर्ट एवं कोरोना से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र उनके पास मौजूद है जो महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा जारी किया गया। मीडिया बंधुओं का हृदय से आभार जिन्होंने इन असहाय मजदूरों की सुध लेने से तत्परता दिखाई और जिला प्रशासन के साथ मिलकर लगातार इन गरीब लोगों की मदद कर रही है। कोरोना के नाम पर लोगों में अनावश्यक भय व्याप्त है। इसकी वजह से जो लोग COVID-19 के अलावा किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं या फिर प्रसव पीड़ा या किसी अन्य इमरजेंसी से जूझ रहे हैं, यदि वह कहीं बाहर से आ रहे तो लोग उनकी मदद करने से कतरा रहे हैं। चिकित्सा वर्ग भी घबरा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। COVID-19 की गाइडलाइन के तहत इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यही शासन का आदेश भी है। प्रशासन पूरा पूरा सहयोग करेगा। कानपुर देहात के संवाददाता